क्या आपको पता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो बालों का दान होता है इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। भक्त आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में जाते हैं और देश के सबसे अमीर माने जाने वाले इस मंदिर में अपने बाल को दान करके आते हैं। क्या आपको पता है इसके पीछे क्या मान्यता है, इस वीडियो से कुछ बेहतरीन सा बताएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक मान्यता चली आ रही है। इस दान के पीछे का कारण है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर जी से लिए गए अपने ऋण को चुकाते हैं। माना जाता है कि यहाँ भक्त जितनी कीमत में अपने बाल को दान करते हैं भगवान उससे 10 गुना कीमत आपको धन के रूप में रिटर्न करते हैं। कहते हैं कि जो भी मनुष्य यहाँ पर आकर अपने बाल को दान करता है उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। यहाँ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी मन्नत पूरी होने पर अपने केश को दान करते हैं। मंदिर में बाल दान करने के पीछे एक और कहानी है। इसके अनुसार प्राचीन काल में एक बार भगवान बालाजी के विग्रह पर चींटियों का पहाड़ बन गया था। तब एक गाय आती थी और चींटियों के पहाड़ पर दूध देकर जाती थी। यह देखकर गाय के मालिक को बहुत गुस्सा आया, उसने कुल्हाड़ी उठाई और गाय के सिर पर वार किया। इस वार से बालाजी को घाव हो गया और उनके बहुत से बाल गिर गए। तब यहाँ नीला देवी ने अपने बाल काटकर बालाजी के घाव पर रखे। जैसे ही घाव पर बाल रखे वैसे ही घाव भर गया। इससे प्रसन्न होकर नारायण ने कहा, बाल शरीर की सुंदरता का प्रमुख हिस्सा है और देवी आपने मेरे लिए उसका त्याग कर दिया। अब से जो भी मनुष्य मेरे लिए बालों का त्याग करेगा मैं उसकी हर इच्छा संपूर्ण करूंगा। इसी मान्यता के फलस्वरूप बालाजी मंदिर में केश दान करने की परंपरा चली आ रही है। यहाँ जो भी व्यक्ति अपने पाप और बुराइयों को छोड़कर जाता है यानी केश के रूप में उनका त्याग करता है देवी लक्ष्मी उसके सभी दुख दर्द दूर करती है। इसलिए यहाँ लोग अपनी बुराइयों के रूप में बाल छोड़कर जाते हैं ताकि भगवान स्वामी नारायण और महालक्ष्मी उन पर सदैव कृपावान रहे। यहाँ प्रतिदिन 20,000 लोग केश दान करते हैं। इस कार्य को करने के लिए मंदिर समिति की ओर से 600 नाइयों को रखा गया। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।